जय श्री महाकाल मेरे प्रिय साधकों, मित्रों और दर्शकों। आज मैं आपको एक व्यक्ति की जीवन के बारे में बताने आया हूँ जिसके ऊपर काला जादू किया गया था और बहुत ज़्यादा परेशान था। उसने भारत में भी इलाज कराया, बाहर जहाँ वो नौकरी करता था विदेश में वहाँ भी इलाज कराया, मलेशिया में भी इलाज कराया और अभी वो मलेशिया में ही रहता है। और इसी काले जादू के चलते वो नौकरी नहीं कर पा रहा था क्योंकि शरीर फिट नहीं था। उसके रीढ़ के हड्डियों में हमेशा चुभन रहती थी, रीढ़ की हड्डी गर्म होती थी, चटके लगते थे और काटे चुभाए जैसा, सुई चुभाए जैसा पेन होता था। अब आप सोचिए, रीढ़ की हड्डी में अगर सुई चुभाए जैसा अगर रीढ़ की हड्डी में दर्द होता होगा तो वो दर्द कितना भयानक होता होगा। रीढ़ के हड्डी में सुई चुबाना, आप अंदाज लगा लो, मछली जैसा तड़पता है इंसान। तो इस तरह की परेशानियों से वो व्यक्ति गुजर रहा था, बहुत ज़्यादा परेशान था। और उसका हमें फ़ोन आता है, हमारे चैनल वो देखता है और हमारा चैनल से वो हमारा नंबर लेके हमें फ़ोन करता है। तो उसका पहले बार जब काट किया जाता है, और एक बात बता दूँ कि उसे नींद भी नहीं आती थी क्योंकि दर्द के मारे नींद कैसी आएगी। तो जब उसका पहली बार काट कराया गया, उसको उस दिन इतनी शांति से उसको नींद आई, इतनी आराम उसको महसूस हुआ, पहले ही दिन में उसको 50% आराम हो गया था। फिर उसने दूसरा काट करवाया, दूसरे काट कराते ही उसको और 40% ज़्यादा फायदा आ गया, यानी उसको 90% आराम मिल गया। तो आज वो तीसरी काट करवाने के लिए उसने फ़ोन किया था। तो उससे मैंने उसका हालचाल पूछा और उसकी रिकॉर्डिंग मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ, तो आप लोग ज़रूर सुनिए और देखिए, आपको पता चलेगा कि काला जादू कितना ख़राब होता है। तो सभी लोग सुनिए और आप लोगों को महसूस होगा कि एक इंसान जिसके ऊपर काला जादू होता है वो कितना दुख भरी ज़िंदगी जीता है। केवल वो इंसान के अलावा कोई दूसरा उसे समझ नहीं सकता। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, ले गए लौंग, ले गए मेरे को पहले लौंग। लौंग ले लिया, चावल लिया आपने? लौंग ले लिया मैंने, चावल ले लिया। चावल ले लिया, ठीक है। अच्छा ये बताए, आपको कितने साल से परेशानी थी? मेरे को 3 साल हो गए थे, 3 साल ही परेशानी थी। 3 साल की परेशानी थी, है ना? आपको आराम नहीं मिला था दवाई से? दवाई मैं बहुत खादी, सरकारी की दवाई खादी मैं बहुत खादी, दवाई में कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं लग्या पूजा करने माता दुर्गा दी, मैं बिच महावीर दी पूजा छड़ दी ना, उते बाद असर होया मेरे परी का काले जादू दा। जी, ये बात जब आप, जब से आपको मातंगी माता ने काट किया है, जब से मातंगी का आपको आशीर्वाद मिला है, तब से आपको अभी आराम है, महसूस कर रहे हो? मैंने नींद बहुत बढ़िया आई, मैंने नींद नहीं आती थी पहला, मैंने रात में सारी रात बैठ के बैठ जाना, मैं 1 बजे जा बैठ जाना, मैं सारी रात नींद नहीं आनी, थोड़ा दर्द हो जाना है, लगी जाना जिदा किसी ने पत्नी किल ठोक दी पेट दे। जी, तो अभी जब से आपको मातंगी माता का आशीर्वाद मिला है तब से आपको अभी आराम है, रिलीफ मिला है अभी? मैंने राम तो मिला, बस जन के राम मिला पूरा है जन के, मैं सुता जन के 5-6 दिन तो ही 12-13 तारीख नु करया सीगा काट, उते बाद मैंने नींद बहुत बढ़िया आई। नींद बहुत अच्छी आई है ना उसके बाद आपको? हाँ जी, नींद अभी बहुत बढ़िया है। अभी दर्द 90% खत्म हो गया है आपका? थोड़ा बचा। हाँ जी, हाँ जी। आपने पूरा डॉक्टर इलाज करवा लिया सभी तरफ? मैं सारा करवा लिया जी, मैं कंपनी के बिच यूएसए की कंपनी, मेरे तक नौकरी भी चले गई इसे चक्कर के बिच, मैं दवाइयां लेंदा लेंदा घूमदा सारे पासे घूम लिया। हूं इलाज करवाया था है? आपका यूएसए में भी इलाज करवाए थे बोल रहे थे ना? यूएसए में, मलेशिया के, मलेशिया के। अच्छा, मलेशिया में आपने इलाज करवाया, वहां भी आराम नहीं हुआ था आपको? मैं नहीं आराम मिला, मैं दवाइयां भी लेंदा रहा, एक डॉक्टर थी मेरा दोस्त थी उसकी घर वाली डॉक्टर थी, मैं उसके नाल भी दवाइयां लेने जाता रहा पर फर्क नहीं पड़ा। जी, मैंने आपका पहले एक कार्ड किया था, दूसरा कार्ड भी किया था, दोनों कार्ड में अभी आपको 90% आराम है ना? 90% आराम है भाई, मेरा तो बुरा हाल था, मेरे वजन नहीं चक होता था, मेरे टेढ़ा नहीं होता था, यानी कि पेट के ऊपर ना मेरे को लाइना पड़िया मेरी कट पै गया जिदा कृपाना मारिया मैं। जी, आपकी जो पीठ में जो पुतला बना के जो कील टोके थे वो सब तो माता ने निकाल दिया था। जैसे एक जखम हो जाती है शरीर में तो जखम भरने में थोड़ा टाइम लगता है, तो अभी समझिए कील तो निकाल दिया है, इसलिए आपको 90% तो आराम है। अभी
अभी ये काट के बाद और आराम हो जाएगा आपको, 1-2% बचेगा, उसके बाद एक और काट करवा लेना, पूरा आराम हो जाएगा। ठीक है, आपको आज का काट करने के बाद एक और काट करवा लेना आपने। ठीक है, जी, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं अभी एक काट करवा दे रहा हूँ आपका। इधर फर्क है जी, 4-5 घंटे एडवांस चलता ना इधर टाइम। मैं रात 12-1 बजे तक वेट कर दे रहा, कॉल करने की गल मिले नहीं, फोन नहीं मिले, बिजी आ रहा है। जी जी अच्छा, मुझे ये बताइए, देखिए हमारे जो चैनल के कुछ दर्शक हैं, और जो आप, मैं आपका ये रिकॉर्डिंग डालूंगा ताकि आप जैसे जो लोग परेशान हैं वो लोग अपना इलाज कर सके, बराबर? सही गल है। तो आप थोड़ा सा आपकी भाषा में जो बताइए, जो पंजाबी में, जो पंजाबी लोग हो उनको भी ये संदेश जाए। आप अपना नाम लेके जो आपको तकलीफें आई इतनी साल, थोड़ा सा 2 मिनट में वो बोलकर उन्हें बता दीजिए। आप बोलिए। आप मेरा नाम था जी रकेश कुमार है, मैं अपना आनंदपुर साहब का रहने वाला। मैंने जाने के 3 साल हो गए थे दर्द होंगे, 3 साल पहले मैं पट्टियां पुट्टियां भी लवाना रहा, मैं बाकी काफी बंद को चेक कराया जाने के, सरकारी ट्रीटमेंट भी लिया, उसके बाद प्राइवेट ट्रीटमेंट भी लिया, उसके बाद MBBS डॉक्टर है उन्हें भी मिलया, एक मेरा जीजा डॉक्टर है आनंदपुर साहब उसे भी मेडिसिन लई, काफी जगह पे मेडिसिन लई, एक्सरे भी कराया, एक्सरे के भी कुछ नहीं आता सही। जी आपने जो विदेश में इलाज कराया वो भी बता दीजिए। वो उसे ऐसे मैं एक्सरे के MRI कराई, स्कैन कराई, बॉडी स्कैन कराई, बॉडी रीढ़ की हड्डी सारा कुछ ठीक है, ओके रिपोर्ट है, जाने के मेडिकल रिपोर्ट के एन ओके आ रहा, उदा सारा मेरे शरीर में दर्द रहा, डॉक्टर कहना कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, शरीर तरह फिट है। जी आपको क्या तकलीफ होती थी, किस तरह का दर्द होता था वो भी बता दीजिए। रात में दर्द होना जाने के 12-1 बजे के करीब दर्द होना मेरा, जाने के एकदम जाने के पिठ दे विच राइट साइड ते ना मेरे पिछे ते जाने के कोई जिदा ते सरिया ठोक दिता हुंदा पिठ दे विचों, एनी तेज दर्द होंदा। अभी आप कहां से बोल रहे हैं ये भी बता दीजिए। मैं तो मलेशिया ते बोल रहा, हला भी मलेशिया दे विच है, मैं तो वेट कर रहा कदों भी खुलन अपना एयरपोर्ट खुल जावे, अपना एंट्री वापस इंडिया चली जावे। जी जो पंजाब के लोग है या देश के, अपने देश के बाहर भी जो पंजाबी लोग है उन्हें आप क्या बोलना चाहते हैं, मातंगी माता की जो कृपा आपके ऊपर हुई उस बारे में आप उन्हें क्या बताना चाहते हैं? मातंगी माता की कृपा, मैं जाप करता ना माता का, तुसी मातंगी माता कहंदे, असि सरस्वती कहंदे, माता सरस्वती जी। मातंगी माता एक 10 महाविद्या में से एक है, आप सिर्फ ये बताइए जो आपके जो पंजाब के लोग है या जो देश के बाहर जो पंजाबी लोग है उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे, माता का जो आपको आशीर्वाद मिला, जिस तरह से माता ने आपके दुखों को दूर की उस बारे में थोड़ा सा बोल दीजिए, फिर मैं आपका इलाज चालू कर दूं। माता ने, माता की कृपा दे नाल मैंने नींद आई, मैंने तो नींद नहीं आती थी, 3 साल हो गए थे, मैं तो तंग होता था, दवाइयां लेंदा लेंदा, ये तो माता की कृपा दे नाल नींद आ गई, मैं तो शुरू से माता दी याद करता, माता दुर्गा दा याद करता, मैंने पता माता मतंगी है, एक माता काली है, माता बंगला मुखी है, मैं सारे जानते जाने के 10 विद्या सारी जानता। चलिए ठीक है, मैं अभी आपका इलाज चालू कर रहा हूँ, तो आपका मैं ये ऑडियो चैनल पे डाला तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं ना? मैंने कोई दिक्कत नहीं है, कोई चक्कर नहीं, पारो चैनल के ऊपर। जी जी ठीक है।